So today we are in conversation with Shooter Dadi and her granddaughter, Shefali. They're going to be comfortable doing this talk in Hindi, but Dadi ji likes to say a few words in English. So how are you feeling, Dadi? I'm fine, thank you. Okay, great. So Dadi ji, aap bataiye ki aapne shooting ki shuruaat kaise ki? Beta, shuruaat aise kari. Main apni potti ko lekar gayi thi. पहली महिला मैं हूँ खेल में. फिर जो है मैं पोती को गन लेकर या डर गई. मैं कहने लगी डरा ना, मैं हूँ तेरी गैल. मैं गन लेकर लोड करी. उन्हें कोच है वहाँ में, कोच को देख कर लोड करी. छर्रा भरिया इसमें इसके हाथ में देने लगी. मेरा मन करया मैं ही देखूँ चला के. मैं जो है मेरा छर्रा पहली गोली मेरी ठीक जगह लगी. ठीक जगह लगने में मेरी पोती का भी सांस बढ़िया. फिर मैं इसे भी भर कह दी. इसने भी चलाई, इसका भी ठीक लगा. इसका मेरे तो सांस बढ़िया मेरा. ठीक है. आपकी पहली मुलाकात शूटिंग के साथ तकरीबन 65 साल की उम्र में हुई, तो आप दादी से शूटर दादी कैसे बनी? बेटा ऐसा है कि मैं दादी तो मुझे पहले तो ही कहा करते थे. फिर मैं इसमें खेल में आ गई, गन ठाई. गन ठा चलाने में फिर मुझे शूटर दादी बोलने लगे. पर आपने बंदूक उठाई क्यों? ये तो आदमी लोग का खेल है ना, तो फिर आपने क्यों उठाई? इसमें बेटे सावधानी चाहिए. उम्र कोई सी भी हो, अपनी सावधानी चाहिए. इसे तो कोई भी कर सके, औरत मर्द कोई भी कर सके. शूटर दादी का बनने का सफर आपके लिए आसान नहीं हुआ होगा, तो आपको क्या क्या परेशानियां देखनी पड़ी थी? बेटा मेरे सामने बहुत परेशानी आई, लेकिन मैं लगी रही. मुझे परिवार ने भी तन्ने मारे और बारकू ने भी तन्ने मारे. तू जागी कारगिल में, तू जागी फौज में. मैं सब सहन करती रही और जाती रही, हिम्मत बढ़ाती रही, करती रही. ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से आपका हमेशा इतना अच्छा निशाना रहता है? मेरा निशाना अच्छा नहीं लगे बेटा. मैं सुबह ही थोड़ा योगा भी करूं, योगा करके अपना ध्यान लगाऊं. मैं सारे कहीं तय ध्यान हटा के यहाँ अपना ध्यान बंदूक पर लगाऊं. इसलिए दादी का निशाना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग टाइम. तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं, अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो अपने एमिंग पे ही लेके आते हैं, तो इसलिए दादी काफ़ी अच्छा शूट कर पाते हैं. शेफाली, आप बताइए कि पहले आप बंदूक उठाने के लिए बहुत डरती थी, और तब से लेके नेशनल लेवल शूटर बनने का सफ़र आपने कैसे तय किया? ये ऐसे रहा है, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो दादी मेरे साथ जाते थे. मुझे गन से काफ़ी डर लगता था, बट दादी ने जब खुद मुझे चला के दिखाया, दादी का शॉट 10 के अंदर लगा, तो मुझे लगा कि दादी घर का काम करते हुए शूटिंग फील्ड में आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती. तो यहाँ से मेरा सफ़र हुआ स्टार्ट. मैंने काफ़ी नेशनल्स खेले हैं, मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है. और शेफाली, आपने इतनी अच्छी शूटिंग दादी जी के पास से सीखी, तो इनके अलावा और कौन सी अनोखी चीज़ है जो आपने सीखी है उनसे? मैंने शूटिंग तो सीखी है, और मैंने टॉलरेंस करना सीखा है, जो कि दादी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है. शूटिंग के दौरान दादी को काफ़ी सुनने के लिए मिलता था लोगों से कि तुम घर का काम छोड़ के शूटिंग करते हो, ये सब अच्छा नहीं है समाज के लिए. बिकॉज़ लेडीज़ को पहले बाहर नहीं निकलने देते थे गांव एरिया में. तो दादी ने यही सब सिखाया कि सबकी सुनो, करो अपने मन की, शांत हो के अपना काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो. दादी जी, आप बागपत जैसे छोटे शहर में से हैं,
पर वो छोटे शहरों में इतनी सारी टैलेंट होने के बावजूद बहुत दिक्कत होती है, तो आप सरकार या समाज को क्या कहना चाहती है? बेटा ऐसे कहना चाहूँ, जब बागपत जो है वो गरीब इलाका है, उसमें बच्चे लगन करें फैसिलिटी कम है, और जो है मैं ऐसा चाहूँ सरकार तक फैसिलिटी मिले और मैं उन्हें प्रेरणा दूँ निस्वार्थ दादी तो, से कि मैं उनको कोचिंग दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनको गन्स वगैरह प्रोवाइड करें जिससे कि वो आगे बढ़ें, अपने क्षेत्र का देश का नाम रोशन कर पाएं, और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट को काफ़ी ध्यान देना चाहिए उस तरफ भी। आप हम सब के लिए इतनी बड़ी मिसाल है, तो आप इधर हम सबको क्या कहना चाहेंगी आज? मैं बेटा जी मैं इस उम्र में कर सकूं तो आप तो जवान हो, पढ़ लिखो भी हो, खेलो भी हो, आप तो क्यों नहीं कर सकते, आप तो और भी मजबूत करो। इतना ही कर सकूं मैं बच्चों को कोचिंग दूं निस्वार्थ जी जानते, लेकिन फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए। महंगा खेल है, गरीब के बच्चों का बजट नहीं है। मैं गरीब के बच्चों को सब किसों को मैं कोचिंग दूंगी, पर मुझे टॉप की रेंज चाहिए, बच्चों के लिए वेपन चाहिए। बेटा खेलने की बात यह है, उम्र कोई सी भी हो लगन होनी चाहिए, और जो है तन बुढ़ा हो मन बुढ़ा नहीं होता, मन ते कोई कोई भी खेल सके कुछ भी कर सके। So like she rightly said that to be young at heart, it doesn't matter what the age is. If your heart is in the right place and if you have the passion to pursue it, you can actually achieve anything. Thank you very much, Dadi. Thank you, Shefali. Thank you. Thank you.